जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल महीने में आने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों के बारे में। किस किस रूट पर ये 5 वंदे भारत ट्रेनें चल सकती है, सारी चीजों को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि अभी 10 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है और आखिरी वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन 10 फरवरी 2023 को यानी कि इसी महीने में हुआ है और 11th वंदे भारत ट्रेन का इंतजार पूरा देश अभी कर रहा है कि कौन सी रूट पर चलने वाली है। लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले अप्रैल के महीने में 5 वंदे भारत ट्रेनें लगातार लॉन्च होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि किस किस रूट पर ये 5 वंदे भारत ट्रेनें चल सकती है। तो सबसे पहला रूट दिल्ली जयपुर का आ जाता है और दोस्तों ये रूट भी काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है पिछले 2-3 महीनों से। उसके बाद नंबर आता है इंदौर जबलपुर रूट का और ये रूट भी काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है भारतीय रेलवे के वंदे भारत ट्रेन चलने को लेकर। और यहाँ पर तीसरे रूट की बात कर ले तो ये रूट वाराणसी से हावड़ा की तरफ जाने वाले वंदे भारत ट्रेन का है और ये ट्रेन बिहार होकर जाने वाली है। और चौथे ट्रेन की बात कर ले तो ये भी बिहार की वंदे भारत ट्रेन होने वाली है जो कि पटना से हावड़ा के बीच में चलेगी। और पांचवी और आखिरी वंदे भारत ट्रेन की बात करें जो कि अप्रैल महीने में लॉन्च हो सकती है, वो ट्रेन पटना से रांची के बीच में चल सकती है। तो ऐसे करके 5 वंदे भारत ट्रेनें अप्रैल के महीने में बैक टू बैक लॉन्च होने वाली है। और दोस्तों इन वंदे भारत ट्रेनों को लेकर बड़े बड़े मीडिया एजेंसी से न्यूज रिपोर्ट भी निकल के सामने आ चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के महीने में इन 5 वंदे भारत ट्रेनों का चलना लगभग तय हो चुका है और रूट भी इसको डिसाइड कर लिया गया है कि किस किस रूट पर चलने वाली है। तो अभी अगर बात कर ले तो 10 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है और अप्रैल के बाद इसकी संख्या 15 होने वाली है। तो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या अब अप्रैल के महीने में ही अगली वंदे भारत ट्रेन का लॉन्चिंग हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी फरवरी का मंथ अभी चल रहा है और मार्च के स्टार्टिंग होने वाला है। तो क्या मार्च में एक भी वंदे भारत ट्रेनें हमें देखने को नहीं मिलेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्च के महीने में भी वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग हो सकती है। लेकिन रूट कौन सा होगा इस पर कुछ भी क्लियरेंस रिपोर्ट अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बात कर ले कि वंदे भारत ट्रेनों की लॉन्चिंग अभी इतनी स्लो क्यों है, इसके पीछे का रीजन है ट्रेनों का प्रोडक्शन को लेकर। अभी फिलहाल वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन सिर्फ ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई में हो रहा है और ICF कोच फैक्ट्री एक महीने में 2-3 वंदे भारत ट्रेन ही बना पा रही है अभी फिलहाल। और यही रीजन है कि हमारी वंदे भारत ट्रेनों की जो लॉन्चिंग है वो एक एक करके काफी ज्यादा टाइम लेके किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर फ्यूचर की बात कर ले तो फ्यूचर में ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई को मिलाकर 3 और कोच फैक्ट्री इसका प्रोडक्शन करने वाली है और एक महीने में 10-12 वंदे भारत ट्रेनें आराम से प्रोडक्शन हो पाएगी, जिससे वंदे भारत ट्रेनों की जो लॉन्चिंग है उसमें भी आपको काफी तेजी नजर आएगी। और दोस्तों मध्य प्रदेश की वंदे भारत ट्रेन की बात कर ले जो कि इंदौर से जबलपुर के बीच में चलने वाली है, ये MP की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन का सौगात अप्रैल में मिलने वाला है मध्य प्रदेश को। यहाँ पर अगर बिहार की बात कर ले तो बिहार की भी पहली वंदे भारत ट्रेन अप्रैल में मिल सकती है जो कि पटना से हावड़ा और पटना से रांची के बीच में चल सकती है। और कुल मिलाकर 5 वंदे भारत ट्रेनें लाइन में लगी हुई है जो कि अप्रैल महीने में एक के बाद एक लॉन्च होती हुई हमें नजर आएगी। अब मीडिया रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है ये तो अप्रैल के महीने में ही पता लगेगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर दिल्ली जयपुर रूट की बात कर ले तो इसको लेकर हमारे रेल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने खुद कहा है कि अप्रैल के महीने में इसकी शुरुआत हमें देखने को मिल जाएगी। तो दिल्ली जयपुर रूट पर वंदे भारत ट्रेन का चलना लगभग तय हो चुका है। मेरे रूट पर वंदे भारत ट्रेन कब आएगी, ऐसा करके आप लोगों का काफी ज्यादा कमेंट आता है मेरे पास। तो आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वंदे भारत ट्रेनें भारत के हर एक कोने में पहुंचने वाली है। हाँ इसमें समय लगने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी रूट वंदे भारत ट्रेन से बचने वाला है। हर रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चलाने का जो मिशन है वो फिलहाल भारतीय रेलवे लेके चल रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि अप्रैल महीने में कितनी वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च हो पाएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किस रूट पर सबसे ज्यादा जरूरत है वंदे भारत ट्रेन का, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इन वंदे भारत ट्रेनों से रिलेटेड अगर कोई भी न्यू अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर लेना है ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।